ভোট গণনার আগে শান্তি সভা করা হবে প্রতিটি পোলিং স্টেশনে, জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। আমরা সবাই অহিংসার পক্ষে, আমরা সবাই শান্তির পক্ষে। এই আহ্বানে চলতি মাসে 27 এবং 28 ফেব্রুয়ারি শান্তি সভা করা হবে সমস্ত পোলিং স্টেশনগুলোতে। শনিবার পশ্চিম জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে বলেন, শান্তি সভা করা হবে 2 মার্চ গণনার পর মানুষের জীবন সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে। कैंडिडेट सिलेक्शन इंजन को लेके मीटिंग करके हमने शांति का आह्वान किया है। हमने सभी त्रिपुरा के 28 लाख जो मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया कि 27 और 28 तारीख सभी पोलिंग स्टेशन में हम लोग शांति सभा करेंगे। 27 और 28 तारीख 2 दिन यहाँ पे जितने उस पोलिंग स्टेशन के आसपास जो हमारे मतदाता है, जो आप इमिनेंट सिटीजन है, रिटायर्ड पर्सन है, जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल है, वहां पे सीनियर लोग है, वहां पे एक्टिविस्ट है, सबको बुला के हमने उनको बोला है कि आप वहां पे आके चर्चा करिए और रिजर्वेशन आप अडॉप्ट करिए कि जिस शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में हम आज तक रहे हैं, उसी शांतिपूर्ण वातावरण में हम 2 तारीख के बाद भी रहेंगे। 2 तारीख को जो भी निर्णय होगा, गणतंत्र में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक हम उसका सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार, उसका घर, कोई प्रतिष्ठान किसका नुकसान नहीं करेंगे और जो हिंसा है, हिंसा का कोई किसी भी प्रकार हम उसमें भाग नहीं लेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। तो हमने ये जो शांति सभा है इसमें जो हमारे रेजोल्यूशन को हमने एक थीम दी है कि আমরা অহিংসার পক্ষে, আমরা শান্তির পক্ষে। তো সবই ত্রিপুরা কে 42 লাখ যো লোক হে, মানে সে বিনতি করতা হো কি আমরা সবাই অহিংসার পক্ষে আছি, আমরা সবাই শান্তির পক্ষে আছি, আর আপনারা ভালো হয়ে থাকুন। আর যে ত্রিপুরার যে নাম, ভালো নাম আছে, এটা আরো মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সবার কাছে আহ্বান রাখেন শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন ভোট গণনার দিনে রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে। আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ হে, জেসে হমনে পোলিং কে বাদ ত্রিপুরা কে সবই नागरिकों ने संयम दिखाया है, शांति के वातावरण में आज तक हम रहे हैं। उसी तरीके से काउंटिंग के बाद भी यही शांति का वातावरण रहे, इसके लिए मैं आपके माध्यम से आज सभी त्रिपुरावासियों को अपील करना चाहूंगा कि त्रिपुरा का एक अच्छा नाम हमारे देश में है, हमारे राज्य का गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ये देन हमारे राज्य को मिली है। बंगाली लैंग्वेज, कोकोरक लैंग्वेज की मिठास, दुर्गा पूजा, खारची पूजा, विशेष करके जो आर्ट्स म्यूजिक के क्षेत्र में त्रिपुरा का जो नाम है, हम बहुत ही गौरव के साथ बोलते हैं कि एसडी बर्मन, आरडी बर्मन हमारे राज्य के है। प्योर रिपोर्ट, चैनल दिन रात।